हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है वो आपका डिसीज़न रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन। कंपनी को अगर अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए किसी भी तरीके का डिसीज़न लेना है, तो सबसे पहले उसको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि कंज्यूमर किस टेस्ट का प्रोडक्ट पसंद करता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है। ओके, डिसीज़न रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप किस माध्यम से अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानना ज़रूरी है। टू डिटरमाइन प्राइस पॉलिसी, कंज्यूमर के बारे में जब आप जानेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस पॉलिसी बना सकते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। टू डिटरमाइन प्रोडक्ट पॉलिसी, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, किस साइज़ का बनाना है, किस कलर का बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, वो आप तभी बना पाओगे जब आप कंज्यूमर के बारे में जानोगे। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर को जानने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को भी जान पाओगे कि कंज्यूमर किस तरीके की चीज़ों को ख़रीदना चाहता है। इंक्रीज इंटरेस्ट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, कंज्यूमर को फ्रॉड से बचा पाओगे। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केट का जो सेगमेंटेशन है, मतलब मार्केट अच्छे से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंज्यूमर के बारे में अच्छे से जान जाती है, तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन भी ले सकती है और एकदम एक्यूरेट। एनवायरमेंट कंसर्न्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक कंज्यूमर के बारे में अच्छे से जानती है, तो वो क्या करेगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी जितने डिसीजन है वो अच्छे से ले पाएगी। एडजस्टमेंट विद चेंज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानती है, स्टडी करती है, तो वो क्या करेगी, जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करती रहेगी। टू अवॉइड प्रोडक्ट फेलियर, मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी प्रोडक्ट कुछ और बना रही है, कंज्यूमर पसंद कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा होने से बचने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिकली हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, ये पता चलता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।